दुर्ग सांसद विजय बघेल ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पत्रकार वार्ता की और कहा न्याय की हुई जीत। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दुर्ग के भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता रखी, जिसमें इस फैसले से न केवल प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार का 58% आरक्षण का फैसला सही बताया, बल्कि कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से इस मामले में दोहरी राजनीति की जा रही थी उसका पर्दा फाशुआ। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद विजय बघेल ने इसे भाजपा की वैचारिक जीत भी बताया, साथ ही कांग्रेस की दोहरी नीति के ऊपर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री से जवाब तक मांग डाला। जो बवाल चल रहा था और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, जो लोगों के साथ छलावा कर रहा था, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा था और जातियों में बांटने का जो प्रयास कर रहे थे, हर वर्ग को छला जा रहा था, हर जाति को धोखा देने का काम चल रहा था कांग्रेस द्वारा, उसका पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और सीधे सीधे तरीके से ये निर्णय दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक आधार से, नैतिकता के आधार से सारे समीकरण का आकलन करके जो 58% आरक्षण की घोषणा की थी और वो सतत चल रहा था, उसी निर्णय पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और एक चेहरा बेनकाब हुआ है कांग्रेस का, यहाँ के मुख्यमंत्री का खाली बड़पोरापन। ये आरोप लगाते हैं कि महामहिम राज्यपाल का कार्यालय भाजपा के इस आरोप पर चल रहा है, कितना शर्मनाक बात है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर इस तरह प्रश्न लगाए, धोखा देने का काम खुद करे, 76% आरक्षण की घोषणा खुद करे और बहुमत के आधार पे बिना कुछ सोचे समझे इस तरह के आरक्षण को लागू कर देना और उसके लिए राज्यपाल को बाध्य करना दस्तखत करने के लिए। क्या राज्यपाल महोदय संविधान से अनभिज्ञ है? क्या राज्यपाल महोदय के ऊपर प्रश्न उठाना चाहिए? और आज पूरा चित्र सामने है लोगों के सामने और ये जवाब देने के लायक नहीं है। और उसके साथ साथ जो बेरोजगारी के अधिकार का हनन किया है, इतने सारे पद रिक्त हैं, हर विभाग से आज डिमांड गया है कि हमारे यहाँ इतना पद रिक्त है और इसमें भर्तियाँ करने का आदेश शासन दे, सामान्य प्रशासन दे, वित्त विभाग दे, वित्त मंत्री वही, सामान्य प्रशासन का मंत्री वही, मुख्यमंत्री वही, और उसके बाद आरक्षण का बहाना करके वो इस पर रोक लगा दे। 4 साल हमारे बेरोजगार बच्चों का बदनाम हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा, उसको कौन चुकाएगा? आज 24 साल का लड़का 28 साल का हो गया, आखिरी समय आएगा उसका, जो आरक्षण के जो नियत उम्र तय की गई है, कहाँ जाएगा वो? उसके लिए क्या निर्णय लेना चाहता है ये मुख्यमंत्री, ये बताए। आज 24 साल का लड़का 28 साल का हो गया, आखिरी समय आएगा उसका, जो आरक्षण के जो नियत उम्र तय की गई है, कहाँ जाएगा वो? उसके लिए क्या निर्णय लेना चाहता है ये मुख्यमंत्री, ये बताए। जनता इससे पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी दृढ़ता से इस संविधान को लागू करने के लिए सरकार को चेतावनी देती है और ये भी चेतावनी देती है कि आप जल्द से जल्द उन बेरोजगार युवकों को जो लाइन लगाए हैं और जितनी पदें हर विभाग से डिमांड हुई है उस पर भर्ती तत्काल चालू करें और जो 4 साल इनका बर्बाद हुआ है उसका हिसाब दे, उसके लिए कोई नीति बनाए ताकि उनका ये बर्बाद हुआ साल बेकार ना जाए। सम्मानी नेता हैं और सिर्फ हमारे नहीं है, छत्तीसगढ़ के सम्मानी नेता हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको भारतीय जनता पार्टी ने दी, चाहे राष्ट्रीय स्तर से हो, चाहे राज्य स्तर पे हो। मध्य प्रदेश के समय भी उनको जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उनको नेता प्रतिपक्ष का दायित्व उन्हें सौंपा, मतलब मुख्यमंत्री के समकक्ष नेता प्रतिपक्ष का पद होता है विपक्ष में, तो उस तरह के सम्मान दिए। लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया, इस सोच के साथ वो कांग्रेस का दामन थाम लिए, जबकि उनकी मानसिकता कहीं भी किसी कांग्रेस के रीति नीति से नहीं मिलती। कभी भी
उस रूप में उनको हम लोग नहीं देखते। हमेशा से देश हित राष्ट्र हित में और छत्तीसगढ़ का कैसे विकास हो, छत्तीसगढ़ के प्रति दर्द, छत्तीसगढ़ में शराबखोरी ना हो, छत्तीसगढ़ में सट्टा जुआ ना, अनेक बार उनसे चर्चा हुई। लेकिन आज जो सरकार शराबखोरी में मस्त है, सट्टा जुआ में मस्त है, गुंडागर्दी में है, बलात्कार हो रहे हैं, ऐसे सरकार की पार्टी में मिलना, कांग्रेस में मिलना, ये पता नहीं कौन सी सोच उनकी रही होगी, उन्हीं से पूछिएगा। लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस तरह के, इस उम्र में आप इस निर्णय से आप स्वयं ही अपने नज़रों से गिर गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग आज प्रश्न लगा रहे हैं, आप जैसे लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे दिल में उनके प्रति बहुत सद्भावना है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। मेरे आदरणीय हो, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। अभी देखिए, बहुत सारे आएंगे, समय देखिए। अब हमारे कांग्रेस से बड़ा नेता आ रहे हैं, जो साफ सुथरे हैं, जो शुद्धिकरण चाहते छत्तीसगढ़ के, वो लोग आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।